सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आपका बजट भी 2.5 लाख रुपीस है एंड आप अपने लिए कोई स्पोर्ट्स बाइक लेने का सोच रहे हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आपको एक काफी अच्छी बाइक बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी की जिक्सर SF250 की। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक को खरीदने के 5 बेस्ट रीजंस बताऊंगा कि आपको किसी और बाइक के कंपैरिजन में इस बाइक की तरफ क्यों जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो ये बाइक आपको प्रयागराज यूपी में 2,48,000 रुपीज तक देखने को मिल जाती है। तो ये 250cc के हिसाब से काफी अच्छी प्राइसिंग है। मॉडल एंड डिजाइन की बात करें तो ये आपको फुली फेयर्ड में देखने को मिलती है। काफी ज्यादा एरोडायनेमिक सा एंड मस्कुलर सा डिजाइन है इस बाइक का। फ्रंट में आपको छोटी सी विंड शील्ड मिल जाती है ट्रांसपेरेंट टाइप के। उसके नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह दी है। फेयरिंग पर ही आपको मिरर मिल जाते हैं। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे जो कि LED के हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको हेलोजन के ही इंडिकेटर्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये आपको फुली फेयर्ड मिलती है जिस पर आपको जिक्सर का स्टिकर वगैरह मिल जाएगा। रियर की तरफ आते हैं तो पीछे आपको काफी शार्प सा टेल सेक्शन मिलता है। टेल लाइट यहाँ पर आपको LED की दी जाती है जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रीजन की कि मुझे इस बाइक में क्या पसंद है। तो वो है दोस्तों इसका इंजन। इसमें आपको 249cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड SOHC इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 26.5 PS की मैक्सिमम पावर 9,300 RPM पर एंड 22.2 Nm का टॉर्क मिल जाता है 7,300 RPM पर। बाइक में आपको 6 गियर मिल जाते हैं। दोस्तों, इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है। काफ़ी ज़्यादा रेव हैप्पी इंजन है ये। हाई स्पीड्स पर भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ये लगता है क्योंकि वाइब्रेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा कम इसमें मिलती है। तो अगर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म एंड रिलायबल बाइक ढूंढ रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। इंजन की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड रीज़न की बात करें तो वो है इस बाइक की परफॉर्मेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, इनिशियल एक्सेलरेशन इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी क्विकली ये बाइक 150 km/h की स्पीड अचीव कर लेती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। टॉप स्पीड अराउंड इस बाइक की 153 km/h है, उसके बाद लिमिटर आ जाता है। दोस्तों, इस बाइक का जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हर गियर में आपको पुश बैक मिलता है तो आपको फील यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पावरफुल बाइक चला रहे हैं। थर्ड रीज़न की बात करें तो वो है माइलेज। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये एक 250cc की स्पोर्ट्स बाइक है तो माइलेज भी आपको उसी हिसाब से देगी। इसमें आराम से आपको 35 km/l तक का माइलेज मिल जाएगा तो 250cc के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है ये। फोर्थ रीज़न की बात करें तो वो है दोस्तों इसके फीचर्स। इसमें आपको फुली डिजिटल कंसोल मिलता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। मीटर की बात करें तो ऊपर आपको ऑयल चेंज क्लॉक के साथ RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, रियल टाइम एवरेज एंड 2 trip meter मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है जिसको कनेक्ट करने के बाद इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फोन बैटरी डिस्प्ले, स्पीड एक्सीडिंग अलर्ट, कॉल SMS, व्हाट्सएप अलर्ट एंड ETA अपडेट जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। फ्रंट में आपको 110 क्रॉस सेक्शन का रेडियल टायर, वहीं रियर में आपको 150 क्रॉस सेक्शन का रेडियल टायर मिल जाता है डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ। फिफ्थ एंड लास्ट रीजन की बात करें तो वो है कम्फर्ट। दोस्तों, इसमें आपको जो क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं वो थोड़ा सा अपराइट है एंड सीट का कुशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी दोस्तों ये आपको अच्छा कंफर्ट दे देती है। बाकी जिन लोगों को स्पोर्ट्स बाइक में भी कंफर्ट चाहिए रहता है वो इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, यही थी इस बाइक की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।